मारधाड़ रेप मामले को चंडीगढ़ ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, फेयर ट्रायल और परिवार की सुरक्षा का दिलाया भरोसा। श्रीनगर में वकीलों का हंगामा, कहां कठुआ रेप मामले में बाधा डालने वाले वकीलों का लाइसेंस हो रद्द। सूरत में मिली लड़की की लाश, 10 दिन बाद भी नहीं कोई सुराग, ओडिशा के होने का लगाया जा रहा है अनुमान। हैदराबाद मस्जिद ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में एनआईए कोर्ट ने सुनाया यह फैसला। कर्नाटक में टिकट नहीं मिलने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़, कई वरिष्ठ नेता भी हुए पार्टी से नाराज। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी, इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून, झमाझम होगी बारिश। नमस्कार, मैं हूं मंदार फ्रेंड से और मैं हूं कविता कृष्णन, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। और आज हम बात करेंगे देश में महिलाओं और बच्चों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सिर्फ एक नाबालिग लड़की नहीं है बल्कि अपने परिजनों तक ये सब मामले पहुँचते जा रहे हैं। तो इस गंभीर मुद्दों को लेकर कविता हम आज चर्चा करेंगे। जी, और मंदार, यहाँ पर खेद इस बात का है इनफैक्ट कि जो कानून है, ऐसा नहीं कि हमारे कानून कड़े नहीं है, कड़े कानून है, बहुत ही कड़े कानून है। खासकर निर्भया के बाद जो है रेप को लेकर और औरतों पर जिस तरह के आप मोलेस्टेशन को ले लीजिए, ईव टीसिंग को ले लीजिए, हर चीज़ के लिए कानून काफ़ी कड़ा किया गया है। पॉक्सो का कानून जो है, जो कि बच्चों के केस में लगाया जाता है, वो भी काफ़ी कड़ा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कन्विक्शंस जो है इस कानून में बहुत कम लोग अपराधी पाए जाते हैं, बहुत कम लोगों को सजा होती है यहाँ पर। और इन्हीं मुद्दों को आज हम उठाएंगे क्योंकि रेप के जो केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें किसी तरह की कमी नहीं आई है, बल्कि पिछले हफ्ते भर में इतने सारे केसेस रिपोर्ट हुए, वो देखकर मतलब हैरानी होती है और डर लगता है घर से निकलने, बाहर निकलने के लिए भी काफी डर लगता है मंदार। जी बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि कन्विक्शन रेट काफी कम है, इसका मतलब यही है कि पुलिस की जो प्रक्रिया है, उस पुलिस की प्रक्रिया में काफी खामियां दिखाई दे रही है। और खास करके जो सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं जो आरोपियों को सजा तक पहुंचाते हैं, उसमें कुछ कमियां नजर आ रही है। हम ऐसे कई मामले लगातार लेके आएंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जिस प्रकार से मुंबई में एक घटना सामने आई है, मुंबई में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है जहां पुलिस अब ऐसे दो चेहरों को ढूंढ रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है जिनका वीडियो तक मेरा नाव के पास है, लेकिन इन आरोपियों ने शायद ऐसे 5-6 से ज़्यादा वाकियों में नाबालिग लड़कियों को छेड़ा है, उनके साथ बलात्कार किया हुआ है। देखते हैं क्या ये घटना है। मामला सिर्फ कथुआ तक ही सीमित नहीं है, मुंबई और नवी मुंबई में भी कई ऐसी पीड़ित बच्चियां हैं। बीते साल अप्रैल से अगस्त के बीच 7 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। पूरे मामले में 2 आरोपियों के बारे में पुलिस ने जानकारी तो जुटा ली है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से वो आरोपी अब भी कोसों दूर है। उनको अभी तक हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसमें हम अभी भी नागरिकों को आह्वान करते हैं, मीडिया को आह्वान करते हैं कि वो जो हमारे संशय दिशंत है, ऐसे अगर कोई मिल जाते हैं तो तुरंत कंट्रोल को, नज़दीकी पुलिस स्टेशन को या फिर क्राइम ब्रांच को, उधर नंबर हमने दिए उस पर कॉन्टैक्ट करें। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी भी लगा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हैवानियत को अंजाम देने वाला शख्स एक नाबालिग को बहला फुसला कर ले जा रहा है।
we question the police officials at Navi Mumbai to ask them why is it taking them so much of time? Because let me tell you, these incidences occurred last year between the months of April to August. So clearly it has been about a year now, more than a year now, since these accused men have been doing these acts of crime. जी, साल भर से ज़्यादा हो गया, मतलब लगभग एक साल हो गया, अप्रैल से अगस्त के बीच में 7 लड़कियों का बलात्कार इन दो अपराधियों ने किया, इन दो हैवानों ने किया था, और अब तक पुलिस जो है इन्हें ढूंढ रही है। और जैसे आपने देखा मंदार, वो जो सीसीटीवी का फुटेज था उसमें उनका चेहरा साफ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरह से एक मुहिम के तहत पुलिस ने इन इन ऐसे चेहरों को, ऐसे बदमाशों को ढूंढना चाहिए, क्या वो ढूंढने में असफल हुई है, ये भी हमें पूछना है। इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाले हैं ऐश्वर्या भाटी, अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, एडवोकेट हैं। एम एन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, और हमारे साथ गुंजन नरूला जो कि दिल्ली बीजेपी की सचिव है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। गुंजन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और इस चर्चा में सबसे पहला सवाल एम एन सिंह जी आपको करना है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से ये मामला मुंबई में सामने आया है, ये दो लोगों का चेहरा अभी हमने सभी लोगों को दिखाया, सभी दर्शकों को भी दिखाया है, पुलिस जुटी हुई है इन दो लोगों की शिनाख्त करने में, ये लोग कहां से आए हुए हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन पुलिस को आशंका है, बल्कि पूरा भरोसा है कि इन्होंने ऐसे 7 बलात्कार नाबालिग लड़कियों के ऊपर किए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होती है उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए आपको इस पूरे मामले में, ऐसे लगता है? मुझसे पूछा है? जी जी, देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। अगर इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर पहले के भी कुछ केसेस हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, पुलिस ने उनके ऊपर पहले से कोई कार्रवाई नहीं किया, उनको आज़ाद घूमने दिया गया। अगर इन लोगों ने पहले भी ये इस तरह के केसेस किए हैं तो पुलिस के रिकॉर्ड पर उनका नाम होना चाहिए था, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए था, ये एक बात रही। दूसरी बात, ये जो इस तरह की घटना हुई है ये कोई रोज होने वाली घटना नहीं है, ये तो दरिंदे हैं, ये जो जिन्होंने इस लड़की को इस तरह से अत्याचार उसके ऊपर किया है, एक छोटी सी बच्ची के ऊपर, ये तो दरिंदे हैं, और इन दरिंदों के ऊपर पुलिस की कड़ी नज़र रहनी चाहिए थी और उनके ऊपर पहले से कार्रवाई की जानी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि मुझे ताज्जुब है कि इस तरह के लोगों को वहाँ के स्थानिक कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स या जो भी हिंदू एकता मंच या जो भी हैं उनको सपोर्ट कैसे मिल रहा है, जो इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जी उनको सपोर्ट दिया गया जी, है जी। ये तो बड़ी धक्कादायक बात है, और ये सिलसिला कहाँ खत्म होगा जी। मिस्टर सिंह, शायद आपने देखा नहीं वो रिपोर्ट जो हमने चलाया था शुरुआत में, हम इस वक्त दरअसल इस चर्चा से हमारी कोशिश आज ये है कि जो रेप के केसेस बार बार रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो बार बार केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और हम जिस तरह की बढ़ोतरी देख रहे हैं रेप के केसेस में, पॉक्सो के केसेस में, हम ये इस वक्त पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समस्या क्या है, क्योंकि कानून हमारे पास जो है काफ़ी कड़े हैं। बात कर रहे थे मुंबई की एक केस के बारे में, जहां पर अप्रैल और अगस्त के बीच, पिछले साल अप्रैल और अगस्त के बीच 7 लड़कियों को, 7 नाबालिग लड़कियों को 2 दरिंदों ने रेप किया था। उसके बाद से जो है पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, उनका सीसीटीवी फुटेज मिला है, पुलिस के पास भी फुटेज है, ये जो फुटेज हम लोग स्क्रीन में दिखा रहे पुलिस से ही हमें मिला है, साफ इनका चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन आज तक अब तक जो है पुलिस इन्हें ढूंढ नहीं पाई है। ऐश्वर्या भाटी, आपके पास आएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जाकर कहीं पुलिस पब्लिक से जो है मदद मांग रही है, इन पर एक बाउंटी या एक अवार्ड जो है, इनाम जो है
ऐलान हुआ है कि कोई अगर इन्हें देखे या इनके बारे में कोई जानकारी दे तो पुलिस लोगों को इनाम देगी। लेकिन दरअसल बात यहाँ पर यह उठता है कि इतना वक्त क्यों लग गया, साल भर तक ये दरिंदे जो है खुले आम घूम रहे, आज भी घूम रहे। ऐश्वर्या बाटी, कविता जी, आपने जो शुरुआत में बात कही वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान में जो कानून है वो काफी कड़े कड़े कानून है और बहुत ही मतलब एट द हाईएस्ट लेवल है कानून। और निर्भया के बाद में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया उसके बाद में जो कानून और भी ज्यादा सख्त किए गए, जो प्रोविजंस ऐड हुए, जैसे रेप की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया, जैसे क्लियरली कुछ बातें कही गई कि द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम इज कम्प्लीटली इमटीरियल, जैसे और भी ज्यादा ऑफेंसेस जोड़े गए जो सीमिंगली माइनर ऑफेंसेस हैं, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, एसिड थ्रोइंग, ईव टीजिंग, ये सारे सेपरेट कैटेगरी से आईपीसी में जोड़े गए। तो कानून तो पहले से ही काफी अच्छे थे और निर्भया के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स के बाद में बहुत ही और भी ज्यादा अच्छे हो गए, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमारे विल अभी भी नहीं है कि इन ऑफेंसेस को हम बंद करें। देखिए, इन ऑफेंसेस में मेरा मानना है कि दो तरह की चीजें हैं जो साथ के साथ चलती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो परिवार से शुरू होते हैं कि वी सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल एब्यूज के बहुत सारे केसेस परिवारों में होते हैं और बहुत दरिंदगी से होते हैं, क्लोज फैमिली के अंदर भी। तो वी एज अ फैमिली, एज इंडिविजुअल्स, हमें अपने परिवारों में बेटों और बेटियों को हम क्या वैल्यूज दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, बेटों को बेटियों को रेस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं और बेटियों को कॉन्फिडेंटली खड़े होना सिखा रहे हैं, ये तो देखिए लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। पर शॉर्ट टर्म मेजर्स में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम हमारा पूरी तरह चरमरा गया है, स्पेशली कोई सेंसिटिविटी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि वीआईपी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंसेस होते हैं या वीआईपी ड्यूटीज में जब ये पुलिस वाले होते हैं तब इनकी सेंसिटिविटी इतनी हाई कैसे होती है, और जो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तब इनकी सेंसिटिविटी और इनकी मतलब इनका अटेंशन स्पैन इतना लो कैसे होता है, क्यों इनको हाई प्रायोरिटी पे ये मैटर्स को डील विद करना, इनको इन्वेस्टिगेट करना, और मतलब इनमें सारी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल होती है, अभी भी इतना प्रिमिटिव एविडेंस यूज होता है, विक्टिम्स पे हम रिलाय करते हैं, पूरा ही सिस्टम कहीं ना कहीं विक्टिम के अगेंस्ट में एक दीवार बन के खड़ा हुआ है। जी ऐश्वर्या भाटी, आपने जो बात कही कि सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर हम सीरियस क्यों नहीं है, हम इसे उतनी सीरियसनेस के साथ क्यों नहीं लेते हैं, अब आपको दिखाएंगे और एक कहानी। ये है दिल्ली से, हमारे राजधानी दिल्ली से, ये कहानी देखिए, ये एक दरिंदे की कहानी है जो बार बार पुलिस ने जिसे बार बार अरेस्ट किया है अश्लील हरकतें करने के लिए, लेकिन बार बार उसे छोड़ा गया है। देखिए ये कहानी। दिल्ली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर पुलिस ने एक प्राइवेट स्कूल में मार्शल आर्ट्स के टीचर रह चुके संदीप चौहान को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं के सामने अश्लील हरकतें करता है। महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में वो जेल भी जा चुका है। They try to shoo him off कि अब जाइए, you go away, नहीं है हमारे, we don't know any cable TV, we are not the person, he is not going. But as soon as the girls call their friends, he got scared and he ran away. In the night we saw the CCTV footage and he was jerking off and we realized कि he had been roaming around that area for very long. चेहरा सामने देखा सीसीटीवी फुटेज में, तो प्रीवियस भी इन्वॉल्वमेंट में जो पकड़ा गया था वही पता चला कि वही है ये, और एक महीना पहले ही लगभग बाहर आ गया था और उसने दोबारा से इंसिडेंट किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि शराब पीने के बाद वह ऐसी हरकतें करने से खुद को रोक नहीं पाता। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि करीब 30 बार जेल की हवा खा चुका यह शख्स हर बार इतनी आसानी से छूट कैसे जाता है। जब तक हमारे कानून में ऐसी कमजोर धाराएं रहेंगी तब तक आरोपी ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। सीधे चलेंगे, हमारे साथ गुंजन नरूला जी है। गुंजन जी, सवाल कोई राजनीति का नहीं है, सवाल ये है कि हम सभी इस पूरे मुद्दे को लेकर आहत है, पूरा देश आक्रोश कर रहा है, और साथ ही साथ ऐश्वर्या जी ने जैसे बताया कि जो एक पुलिस सिस्टम, पुलिस व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, क्या करने में हम सब असफल हो रहे हैं और खास करके सरकारें किस मुद्दे पर असफल हो रही है?
हमारे यहाँ इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं और पिछले कुछ वर्षों में ये घटनाएं बढ़ी हैं। इस पर मुझे वास्तव में बहुत अफसोस है और इसका जिम्मे अभी भाटी जी ने बोल रहा कि जो बताया कि समाज की भी इसकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी, कानून की भी जिम्मेदारी इसकी प्रति बनती है। हमें सख्त से सख्त, जैसे कि अभी आपने बताया 30 बार एक आरोपी पकड़ा गया और उसके बावजूद वो छूट जाता है, तो मैं सोचती हूँ इससे ज्यादा निंदनीय ये बात कुछ हो नहीं सकती है। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस प्रकार का कोई भी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैसा भी ये आरोप यदि किसी महिला के प्रति इनका लगता है इनके ऊपर, तो इनको तुरंत से सजा दी जाए। उसके लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की धाराएं लगाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। विदेशों में भी इस प्रकार से होता है कि जो रेपिस्ट होता है उसे तुरंत से कड़ी सजा दी जाती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। जैसा कि अभी भाटी जी ने भी बताया कि कानून में ऐसी धाराएं बनी हुई हैं, सख्त धाराएं हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, यही हमारी कमी है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये हम सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए, चाहे वह कानून है, चाहे वह पुलिस है या समाज है, सभी ने मिलकर प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों को तुरंत सजा दी जाएगी, तभी हमारी ये इस प्रकार की जो कार्रवाई, इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी। जी गुंजन अरोला, आपको यहाँ बता दूं कि ये जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, ये न सिर्फ हिस्ट्री शीटर है इन मामलों में, साथ ही साथ ये स्कूल में टीचर का काम कर चुके हैं। ट्रैक रिकॉर्ड, इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद वो स्कूल में मार्शल आर्ट्स टीचर का काम करते थे। क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि जिनका इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड हो वो पब्लिक किया जाए, किसी तरह का पब्लिक रजिस्ट्री बन जाए, जहां पर जो अक्यूज, जो कन्विक्टेड है। ऑब्वियस मैडम जी, जी बोलिए गुंजी जी। मैडम मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं ये मानती हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और हमारे समाज ने भी जागरूक होकर कि कन्विक्टेड जो भी कोई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पावर रखता हो या किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, यदि वो कन्विक्टेड है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए और वो सजा तुरंत मिलनी चाहिए, उसके लिए किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और मुझे तो आपकी बात को सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि आप बता रहे हैं वो स्कूल में टीचर है, वो क्या पढ़ाते हैं, मार्शल आर्ट का टीचर है। ठीक है, यदि वो चाहे वो शराब पीकर यदि अपने को नहीं रोक पा रहा है या कुछ भी ऐसा है, उसको तुरंत असामाजिक जो प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको तो तुरंत से स्कूल से भी बाहर कर देना चाहिए और समाज से भी बाहर कर देना चाहिए। एमएन सिंह जी सवाल आपसे है, जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं 2014 से लेके 2016 में अगर देखा जाए तो 90,000 से लेके अब क्राइम अगेंस्ट अगर चिल्ड्रन का हिसाब हम करें तो 2016 तक 2 सालों में उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2 सालों में 1 लाख के आगे ये आंकड़े पहुंच गए हैं। अब आंकड़ों को अगर देखें या पूरी तरह से अलग अलग आंकड़े महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उनके अगर आंकड़े देखें तो लगातार यही दिख रहा है कि कन्विक्शन रेट कम है। लगातार यही दिख रहा है कि जो FIR दर्ज होना चाहिए वो FIR दर्ज होने में भी हम लोग अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो आगे महिलाओं की सक्षमता की बात करने में हमें बहुत आगे फासला तय करना होगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस व्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से पूरे देश में बदलने की जरूरत नहीं लग रही आपको? इसमें कोई शक नहीं है, पुलिस व्यवस्था के रूपरेखा ढांचे को कंप्लीटली बदलने की आवश्यकता है। देखिए, नेशनल पुलिस कमीशन ने 1978 में रिपोर्ट दिया था और उसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस उसने सजेस्ट किए थे, लेकिन वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं किए गए। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज पुलिस के ऊपर से अपना नियंत्रण हटाना नहीं चाहती हैं, पुलिस को एकदम अपने हाथ के नीचे दबा के रखती हैं और मर्जी के हिसाब से काम कराती हैं। जब तक पुलिस को आज़ाद नहीं किया जाएगा और पॉलिटिकल कंट्रोल से सेपरेट नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, पॉलिटिकल पार्टीज को उस पर एग्री करना चाहिए। देखिए, अमेरिका में FBI ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ही लॉयर के घर में छापा मारा और प्रेसिडेंट देखते रह गए, कुछ नहीं कर सकते। जहां पुलिस की मशीनरी इतनी मजबूत होगी, सशक्त होगी और स्वतंत्र, आप पुलिस से किसी अच्छी कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं। आज की हालत यह है कि पुलिस पॉलिटिशियंस के दबाव में पड़ के, उन्नाव का जो केस है यूपी में, इसका एक सबूत है। यहाँ भी कथुआ में भी जो हुआ, हम रोज देखते हैं कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में है और बराबर कार्रवाई नहीं कर पाती है। सवाल यह है कि समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं,
इसके बहुत सारे कारण है, एक कोई कारण नहीं है। देखिए, एक तो हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का भी बहुत ही ह्रास हुआ है, हमारे समाज में नैतिकता के बहुत हनन हुआ है। दूसरी, हमारी कानून व्यवस्था जो है वो जैसी प्रभावी होनी चाहिए, जिस लोगों के मन में, क्रिमिनल्स के मन में एक डर पैदा हो, वो नहीं हो रहा है। आज एक अध्यापक बच्चों के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है, डॉक्टर मरीज के साथ करता है, इस तरह की जब हरकतें होंगी तो समाज में इसे फैलेगा। मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि आज समाज को अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो ये पॉलिटिशियन से खतरा है, पॉलिटिकल पार्टी से खतरा है। ये बड़े शर्म की बात है कि यूपी में उन्नाव में एक ये रेप का हादसा हुआ, वो लड़की के बाप की पिटाई इतनी हुई, और चूंकि उसमें एमएलए के खिलाफ शिकायत थी इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, गवर्नमेंट भी देखती रही है। जनवरी महीने का मामला वैसे ही ये कथुआ में भी हुआ, कितने दिनों से मामला पेंडिंग था, ये कितनी शर्म की बात है। पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिशियंस भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एडवोकेट्स डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसको दोषी दें और किसकी तारीफ करें ये समझ में आने की बात, लेकिन ये बड़ी दुखदायी बात है, दुख की बात है। जी, आपकी बात सही है, लेकिन ऐश्वर्या पाटी, क्या ये भी बात सही नहीं है कि पुलिस की जो एटीट्यूड है, जिस तरह आप बता रहे थे शुरुआत में, सेक्सुअल नेचर और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस को लेकर पुलिस का जो एटीट्यूड है उसमें ही बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। उन्नाव के मामले को ही ले लीजिए, लड़की दर दर भटक रही थी, साल भर हो गया, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया, अब कहीं जाके एफआईआर दर्ज हुआ है। जब वो एफआईआर दर्ज कराने गई थी, जब कंप्लेन करने गई थी, तब 10 दिन पहले तो 10 दिन तक गायब रही, उसके बाद जब कंप्लेन दर्ज भी हुआ तब उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया, उसके पिताजी को पुलिस कस्टडी में रखा गया, यहां पर कंप्लेनेंट को जो है कस्टडी में रखा जा रहा है। ऐश्वर्या भाटी, सही कह रहे हैं कविता जी आप, पूरा जो सिस्टम है वो विक्टिम को विक्टिमाइज करने में और ट्रॉमेटाइज करने में लगा रहता है। खाली पुलिस के एटीट्यूड की बात नहीं है, पुलिस का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो तो रक्षक हैं, और रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पर हर लेवल पे सेक्सुअल ऑफेंसेस जो महिलाओं के अगेंस्ट में हो रहे हैं उसके प्रति एक उदासीनता का एटीट्यूड है, एक चलता है एटीट्यूड है, एक ट्रिवलाइज करने का एटीट्यूड है कि ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि मैं तो इन ऑफेंसेस को इतना सीरियस मानती हूँ कविता जी, कि कई बार आप देखेंगे जैसे मेंस रिया, एक क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल इंटेंशन एक जरूरी चीज है किसी भी क्राइम के लिए। कई बार क्राइम्स में इंटेंशन क्रिमिनल होता है, लेकिन उनका जो मोटिव होता है वो मोटिव कभी अच्छा भी हो सकता है या मोटिव थोड़ा सा इनोकुअस भी हो सकता है, कि आपने किसी मजबूरी में क्राइम किया या पर्सनल डिफेंस में क्राइम किया, उसको आपने एक्सीड कर दिया। लेकिन जो ये सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, ये तो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ हेट क्राइम, दे एग्जिबिट अ डिप्रेव्ड मेंटालिटी, और ये खाली महिलाओं के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि वो विक्टिम एक महिला है। अश्वर्य जी, आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो दिल्ली की जो घटना हम देख रहे हैं, जो जिस तरह से विजुअल्स बता रहे हैं, एक ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या उस ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए किसी तरह का और सख्त कानून नहीं है क्या? क्यों ये ऐसे लोग जो है वो लगातार छूटते क्यों है? प्रॉब्लम ये है मंदार साहब कि हमारे यहाँ वो डायरेक्टरीज नहीं है सेक्सुअल ऑफेंडर्स की, जिनको हम पब्लिक डोमेन पे डालें। आप देखेंगे कि ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में पीडोफाइल्स की, सेक्सुअल ऑफेंडर्स की एक डायरेक्टरी मेंटेन करी जाती है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ की इतने दायरे में नहीं आ सकते, आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको पढ़ाना तो दूर, आप उनके स्कूल के आसपास तक नहीं भटक सकते, और ये पूरी डायरेक्टरीज लेड डाउन होती हैं, उनके ऊपर प्रॉपर उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, पीडोफाइल्स की अलग से मॉनिटरिंग होती है, सेक्सुअल ऑफेंडर्स की अलग से मॉनिटरिंग होती है, और कई पीरियड के लिए होती है, उस पीरियड तक अगर वो उनका कंडक्ट सही होता है तो ही ये आगे उनको किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन से फ्री रखा जाता है। पर ऐसा सिस्टम हमारे यहां तो बिल्कुल ही एब्सेंट है, एक क्राइम करने के बाद में। और प्रॉब्लम ये है कि आज भी देखिए लॉ में अमेंडमेंट होके जो सक्सेसिव ऑफेंसेस हैं, स्टॉकिंग, ईव टीजिंग, इनके इसके लिए सजा ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज भी इन ऑफेंसेस को छोटा ऑफेंस माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसको आज आप स्टॉकिंग करते हैं या ईव टीजिंग करते हुए नहीं पकड़ेंगे, वही कल जाके ज्यादा सीरियस ऑफेंस करेगा। जी, बने रहिए हमारे साथ। जी ऐश्वर्या, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाते जाते आपको ये बता दे कि रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और पिछले 2 साल में 2014 से 2016 के बीच
बच्चों पर हो रहे जो रेप है वो दुगना से ज्यादा हो गया है। क्यों हो रहा है, कानून कड़े लेकिन उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है, चर्चा जारी रहेगा ब्रेक के बाद। साथ है पावरफुल नई फोर्ड इको स्पोर्ट जो बनाए हर ड्राइव फन ड्राइव। फोर्ड कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। यू कैंट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ट्रैवल बट डू यू अंडरस्टैंड इट। द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल्स ग्लोबल समिट। जॉइन द डिबेट एट wttc.org। यूज वन इंजेक्शन ओनली फॉर वन पर्सन एज रीयूज ऑफ एन इंजेक्शन कैन बी डेडली। Use only Kojak syringe as it breaks automatically after a single use. Hotness, na? Whirlpool. Let's cool it down faster with my Whirlpool 3D Cool and Water AC. Who are they? My fans. Whirlpool, Whirlpool. It will continue to be a symbol of disobedience. It will still be the inspiration of marches, but this time for runways. Because the fabric of the nation will now become the fashion of the nation. Khadi. Story Respun, the Khadi collection by Raymond. It is a beautiful evening, and we welcome you to the League of Super League. The teams are ready to battle with a rattle. And here it is, the first ball of the innings. And he plays it with a light hand for a single. Now the next ball around the wicket. Oh, he smashed it away. Oh, it's going to be a tough decision. But thrilling as it goes on. Get bowled over with MNX Super League. Participate and stand a chance to watch your favorite sports stars live by answering a simple question. For prize details, log on to facebook.com/MNXmovies. MNX Super League, Monday to Friday nights at 11, only on MNX. नमस्कार, नेशन नाउ में आपका फिर एक बार स्वागत। चर्चा शुरू है, जारी है और खास करके अब इस मुद्दे पर हम और कुछ कहानी देखते हैं। जी, एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक कहानी सामने आया है और ये कहानी सूरत से आ रहा है, जहां और एक छोटी बच्ची के साथ बहुत ही दरिंदगी से हुआ है। चलिए पहले वो रिपोर्ट आपको दिखा दे। रुकेगा इस देश में हैवानियत का खेल। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। कठुआ रेप कांड को अभी हम भूले भी नहीं थे कि सूरत का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसे मौत की नींद सुला दिया गया।
अभी तक सूरत की इस बच्ची की शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। किसी भी हालत में इस लड़की के साथ जो दुष्कृत्य हुआ है, उसकी हत्या हुई है, उसके आरोपियों को पकड़ने के लिए हमारी क्राइम ब्रांच सूरत की पुलिस पूरी तरह से कार्यरत है। पोस्टमार्टम में यह पाया गया कि बच्ची का गला और मुंह दबाकर दम घुटने से उसकी हत्या हुई है और उसके ऊपर जबरदस्ती की गई, इस बात के सबूत मिले। सूरत के शरीर पर कुल 86 जख्म के निशान थे। मासूम को लकड़ी से लगातार 8 दिनों तक बेरहमी से पीटा गया, फिर दुष्कर्म कर उसका गला घोट दिया गया। शरीर पे हमें अलग अलग ड्यूरेशन की इजाम मिली, मतलब कुछ एक दिन की मिली, कुछ 7 दिन की मिली और ज्यादातर काफी सारी जो इजाएं थी वो लकड़ी जैसे किसी हथियार से हुई हुई थी। वैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी इंजरीज थी, टोटल हमें 86 इंजरीज मिली। मेरा नाव भी इस गुड़िया के लिए इंसाफ मांग रहा है और अपने दर्शकों से अपील करता है कि इस मासूम लड़की के बारे में अगर कोई भी जानकारी है तो सामने आइए, अब शांत मत बैठिए। 9 से 11 उम्र की लड़की की शव मिली है यहाँ सूरत के इलाके में 86 जख्मों के साथ। पुलिस के अनुसार उसके साथ बलात्कार हुआ है और बुरी तरह से जख्मी हुई थी वो 9 से 11 साल की लड़की। अभी तक 10 दिन हो चुके हैं और पुलिस अभी तक उसका नाम, वो कहां से आई है, कहां रहती थी, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। सीधे चलते हैं, हमारी संवाददाता दिशा मौजूद है सूरत में और लगातार देख रही है यहाँ पे कोई अपडेट्स आ रहे हैं या नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस भी अभी शिनाख्त में लगी हुई है। दिशा, क्या जानकारी है इस पूरे वाक्यों को लेकर? कुछ हद तक पुलिस आगे बढ़ चुकी है या नहीं? कुछ जानकारी इस गुड़िया के बारे में मिल पाई है या नहीं? मंदार, मैं इस समय उसी जगह हूँ जहाँ पे 10 दिन पहले इस मासूम बच्ची की जो है वो लाश यहाँ इस जगह पे मिली थी, 86 इंजरी मार्क्स के साथ, और यही वो जगह है मंदार। और 10 दिन के बाद भी आज अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो हम आज पूरा दिन यहाँ सूरत में, हम इस शहर में रहे, हमने पुलिस से बात की, हमने फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात की, फोरेंसिक हेड से बात की न्यू सिविल हॉस्पिटल से, और यही कहा जा रहा है कि किस बेरहमी से उस बच्ची की हत्या कर दी थी। उसको 7 से 8 दिन लगातार उसको बेरहमी से टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा, उसका बलात्कार किया और उसके जो प्राइवेट पार्ट है उस पर भी काफ़ी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया और उसके बाद यहाँ पे उसका गला दबा के उसको दफनाया गया। सो ये जगह है और 10 दिनों के बाद 10 दिन लगातार तक यहाँ की जो सूरत पुलिस है मंदार, उन्होंने 1200 से ज़्यादा पोस्टर्स जो है वो जो विक्टिम के हैं वो पूरे शहर में लगा दिए हैं, लोकल रेलवे स्टेशन पे लगा दिए हैं, ट्रेनों में लगा दिए हैं, ताकि कुछ मालूम पड़ सके इस छोटी सी बच्ची का, क्योंकि अभी भी 10 दिन के बाद उसकी आइडेंटिटी नहीं मालूम पड़ी है। उनके जो परिवार वाले हैं वो खुद सामने नहीं आ पाए हैं और वो उनके बारे में भी कुछ खबर नहीं हो पाई है। और 10 दिन के बाद आज जो है वो केस क्राइम ब्रांच पे ट्रांसफर हुआ है और जैसे कि हमने कुछ ही समय पहले देखा यहाँ पे दो जो सीनियर ऑफिसर्स है क्राइम ब्रांच के वो यहाँ पे आए थे यहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन की और लगातार जो है पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होती जा रही है। पुलिस एक साइड चर्चा कर रही है कि वो जो विक्टिम थी वो शायद से ओडिशा या वेस्ट बंगाल से थी, यहाँ की नहीं थी, हत्या है वो कहीं और की गई थी और यहाँ पे उस बच्ची को फेंका गया था। सो काफी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, पर अगर आइडेंटिटी की बात करें तो 10 दिन पहले भी वही चर्चा थी और आज 10 दिन के बाद भी वही चर्चा है। उस मासूम की बच्ची अभी भी सिविल हॉस्पिटल में, उसकी जो शव है वो वहां पे है अभी भी मंदार। जी जी दिशा, बने रहिए हमारे साथ। जी दिशा, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त चलेंगे अब सीधे गुंजन नरूला के पास। गुंजन जी, सूरत, उन्नाव, कथुआ। मैं तो
मुंबई, दिल्ली और हम सारी कहानी गिना गिना के थक जाएंगे। तो यह एक लड़की के प्रति, एक बच्ची के प्रति नहीं होती है, यह हर उस महिला के प्रति घटना है जो इसके लिए संवेदनशील है। मैं सोचती हूँ कि यह एक छोटी सी बच्ची जिसको इसके मायने भी नहीं पता है, उसके प्रति जो ये सब हो रहा है। गुंजन जी, आपसे सवाल ये है, गुंजन जी, जी गुंजन जी, आपसे सवाल ये है, उस महिला के लिए जो समाज में रहती है, वो उस आरोपी की, चाहे वो माँ है चाहे बेटी है, उसके प्रति भी ये सवाल, ये हम उत्तरदायी बनते हैं कि वास्तव में ये क्या हो रहा है उस हर महिला के ऊपर। ये जो आरोपी कर रहा है, ये रेप कर रहा है, वो उस हर महिला के ऊपर रेप है। वो नहीं, गुंजन जी, क्या हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं। गुंजन जी, केस तो एक होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हर महिला के प्रति है ये। नहीं नहीं, गुंजन जी, क्या हो रहा है वो तो साफ दिख रहा है, और केस गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। सवाल आपसे ये है कि इतने सारे वारदात हो रहे, सरकार में क्या किसी तरह की सोच चल रही, किसी तरह का विचार या मंथन चल रहा है कि किस तरह देश को अपने बेटियों के लिए सुरक्षित बनाया जाए, किस तरह कानून को और कड़े किए जाए, किस तरह पुलिस फोर्स को और थोड़ा संवेदनशील बनाया जाए? सरकार में भी हमारे और आप जैसे ही लोग होते हैं मैडम, ऐसा है, मैं ये मानती हूँ कि वहाँ पर भी इस पर बिल्कुल लोग संवेदनशील हैं, और लगातार जो पिछला हमारा तंत्र था, ऑफिसर जो अपना तंत्र है उसको लगातार ठीक करते हुए अभी भाजपा की सरकार लगातार केंद्र में काम कर रही है, और उसको ठीक होते हुए भी समय लगेगा। मैं मानती हूँ खामियां बहुत ज्यादा है, और उस खामियों को ठीक करते करते अभी समय लगेगा, लेकिन मैं फिर से अपनी बात पर, केस में जस्टिस रविंदर रेड्डी जो है उन्होंने जो ये वर्डिक्ट दिया था, उन्होंने रिजाइन किया हुआ है। हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता मीनाक्षी के पास ज़्यादा जानकारी के लिए। मीनाक्षी, क्या खबर है, किस प्रकार की रीजंस उसमें उन्होंने बयां की है? जी देखिए, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक वाक्या है जो घटा है। जस्ट कुछ क्षण पहले जानकारी आ रही है कि जस्टिस रविंद्र रेड्डी, जिन्होंने आज मेक्का मस्जिद फैसले को ऑथर किया, जिसके तहत उन्होंने अक्विटल का ऑर्डर पास किया, क्योंकि एविडेंस की कमी बताते हुए उन्होंने अपना फैसला दिया। ये एक बहुचर्चित फैसला रहा है। हमने देखा है कि किस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अभी छींटाकशी के मामले में जुट गए हैं। बहरहाल, जो बड़ी खबर है और जो अनप्रेसिडेंटेड खबर है कि जो जज हैं उन्होंने कुछ समय पहले ही अपना जो रेजिग्नेशन है वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि निजी कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं अपने पद से। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं जब तक उनका जो इस्तीफा है वो कबूल ना हो। तो ये बहुत ही एक तरीके से, इस तरह बता रहे हैं अपने दर्शकों को, अनप्रेसिडेंटेड है। वजह क्या है, किन कारणों से इस प्रकार की घटना घटी है, उसकी जानकारी हमें मिलेगी तब हम लाएंगे दर्शकों के लिए। बट बहरहाल, जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि जो जज ने जो फैसला लिखा, उन्होंने कुछ समय पहले अपना इस्तीफा दिया, निजी कारणों से इस्तीफा दिया, और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपना इस्तीफा पत्र उन्होंने पहुंचाया है। साथ में उन्होंने लिखा है कि वो लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं जब तक उनका इस्तीफा कबूल ना हो। जी मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलेंगे वापस यहाँ से अपने पैनलिस्ट के पास। बड़ी खबर इस वक्त आते हुए मक्का मस्जिद वाला फैसला देने वाले जो जज है रविंदर रेड्डी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी चलते एमएन सिंह के पास। एमएन सिंह, आपके पास, आपसे भी वही सवाल करूंगी, क्या आपको लगता है कि हमारे पुलिस फोर्स को और ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है, खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि इस तरह के केसेस में वो ठीक तरह से कार्रवाई कर पाए, और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, उसको भरोसा दिलाने के लिए क्या उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग देने की जरूरत है? देखिए, ये जो सेक्सुअल क्राइम का मामला है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। देखिए, ये जो आजकल देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सेक्स क्राइम बढ़ रहा है, इसको सिर्फ कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए।
लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है और एक सामाजिक समस्या भी एक है। समाज को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, समाज के अलग अलग तत्वों को सोचना चाहिए, घर में गार्जियंस माँ बाप को सोचना चाहिए, लड़कियों को कैसे सुरक्षा दें, स्कूल्स और कॉलेजेस में अध्यापकों को, स्कूल के मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कैसे उनकी रक्षा की जाए। तो एक समाज का जो दायित्व है वो अपनी जगह पर वो निभाएं। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस के ऊपर जो एक दबाव रहता है, जो हमें उन्नाव में देखने में आया और कथुआ में देखने आया, ये जरूरी है कि पुलिस को पॉलिटिकल कंट्रोल से अलग किया जाए ताकि पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच कर सके। पहली बात जी, वो तो एक बात, बात है, है कि मैं नहीं मानता हूँ कि कानून को और सख्त करने से वो तो एक बात है जो आपने बताया। हमको कहले नहीं दीजिए, हमको कहले नहीं दीजिए, बोलिए बोलिए, हमको कहले नहीं दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब कोई इस तरह की घटना होती है तो आवाज उठाई जाती है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, कानून को और कड़ा करना चाहिए। मेरे ख्याल में कानून को सिर्फ कड़ा करने से नहीं, कानून तो ऑलरेडी बहुत कड़ा है, जहां मर्डर हुआ वहां पर तो डेथ सेंटेंस का प्रावधान पहले से ही है। कानून अभी ये निर्भया केस में बहुत सख्त बनाया गया था, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। निर्भया केस में सजा हो गई बहुत जल्दी, फांसी की सजा हो गई, लेकिन अभी तक उन आरोपियों को सजा दी नहीं गई। तो ये अपील में और क्लीमेंसी में इसमें पड़ा हुआ है, एक वो भाग है। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, मैं सोचता हूँ कि ये जो आजकल इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, खास करके शहरों में जो बढ़ रही हैं, तो पुलिस यंत्रणा में भी उपयुक्त सुधार करने की आवश्यकता है। नई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस करने की जरूरत है कि उनका इंटरफेस इंटरैक्शन स्कूल अथॉरिटीज से, कॉलेज अथॉरिटीज से पुलिस वालों का बढ़े, जाकर के स्कूलों में कॉलेजेस में विद्यार्थियों को बताएं कि कैसे उनको सावधान रहना चाहिए, कैसे इन लोगों से बचना चाहिए। दूसरा ये कि जितने भी इस तरह के सेक्स मैनियक्स हैं, सेक्स जी एम एन सिंह आप जो बात कह रहे हैं सही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसके को इसके दौरान एम एन सिंह आप जो बात कह रहे हैं सही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये सब कोई जानता है, लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर ये है। नहीं एम एन सिंह के बारे में जी आपसे मेरा सवाल आपसे बहुत ही सरल शब्दों में ये था कि अगर ईव टीजिंग का कंप्लेंट लेकर कोई लड़की अगर पुलिस स्टेशन में जाती है तो FIR दर्ज करने में बहुत 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 मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले हैं, और ये मेरे साथ हो चुका है, बताया जाता है कि अरे सामने वाले बच्चे लड़के का भी तो करियर देखो, बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा, सुधर जाएगा, पुलिस कंप्लेंट ना दर्ज कराओ, और ये होता है। ऐश्वर्या भाटी ये बात अगर है तो ये बात अगर ऐसा अगर हुआ है कविता जी तो ये गलत हुआ है। मेरा ख्याल है पुलिस में भी अवेयरनेस पैदा करने की आवश्यकता है, पुलिस को भी बताने की आवश्यकता है। कहा नहीं जाता है कि लड़का है जाने दो, संवेदनशील होकर के ऐश्वर्या भाटी नहीं गलत है, गलत कहीं नहीं कहीं इसको मैचो समझा जाता है कविता जी, संवेदनशील इस तरह के एटीट्यूड को मैचो समझा जाता है, भूल समझा जाता है। एक 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 बात और इस एटीट्यूड को जो हमारे देश के हमारे समाज के लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि लड़का है वो तो ये करेगा ही, लड़का है, लड़के से गलती हो गई तो उसको छोटा माना जाता है, ट्रिविलाइज़ किया जाता है। हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, विनोद कामत हमारे साथ है फिलहाल। विनोद जी आपका सवाल क्या है? मुझे मैं बात कर सकता हूँ? जी 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 सीधे सीधे सवाल पूछे जरा। हाँ मुझे पूछना है कि गुंजन नरूला जो बात कर रही है, बीजेपी 2014 में इलेक्शन प्रॉमिस देके आई कि विल बेटियों की रक्षा करेंगे, अब 4 साल होने के बाद और 80% गवर्नमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय बीजेपी इन ऑल स्टेट्स, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? टीना जी हमारे साथ है फिलहाल, जो की मुंबई से जुड़ी हुई है। टीना जी आपका सवाल क्या है? जस्ट नीड टू आस्क 3 questions, just short 3 questions. First, what happened to the Nirbhaya fund? Second, what happened to the one-stop rape centers promised by BJP?
And third, where is the National Women's Commission? Is it just for AAP or is it for other people also? Thank you. Thank you very much. सवाल के जवाब दीजिए. चार सवाल है आपके लिए. जी जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आने के बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जो उन्होंने मिशन चलाया उसमें वो लगातार काम कर रही है. हमारा सिस्टम पिछले कितने अनेक सालों से बिगड़ा हुआ है, उस सिस्टम को ठीक करने में हमें समय लग रहा है. उस समय की मांग हमेशा की गई है, लेकिन हम इसके लिए हमेशा से ये कहते रहेंगे कि बेटी हमारे यहाँ सर्वोपरि है, एक छोटी सी बच्ची जो समाज की रक्षक. निर्भया फंड का उन्होंने सवाल पूछा था आपको, निर्भया फंड का सवाल पूछा था आपको, वन स्टॉप सेंटर के बारे में पूछा गया था, उसके जवाब क्या? उसके लिए दिल्ली जी काम तो लगातार पुलिस कर रही है, पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और इस केस पर आगे काम हो रहा है. नहीं नहीं गुंजन जी, आपसे बहुत ही सीधे सवाल पूछे गए थे. निर्भया फंड का क्या हुआ? वन स्टॉप रेप सेंटर बनानी थी, उसका क्या हुआ? मैडम इस पर कार्रवाई हो रही है, लगातार काम हो रहा है और मेरे पास अभी डाटाज नहीं है जो मैं डाटाज आपको बता सकूं, लेकिन इस पर काम हो रहा है. आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दिस. और मैडम मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, कितने वन स्टॉप सेंटर खुले हैं कर रहे हैं इसलिए बताना चाहूंगी. जी गुंजन जी, कितने वन स्टॉप रेप सेंटर खुले? मैम आई हैव नॉट डाटाज, बट मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, दिल्ली में जो सरकार है उन्होंने लगातार कहा था कि हमारे वहां पर जो महिला उन्होंने कमांडोज बनाने की बात कही थी, उन्होंने अनेक तरह के वादे किए थे. सवाल आपसे पूछा जा रहा है वादे आपने किए थे, निर्भया फंड आपने बनाई थी, राइट? निर्भया फंड आपने बनाई थी, वन स्टॉप रेप सेंटर शुरू करने की बात आपने करी थी. कविता कई सवाल है, हम सीधे फिर एक बार चलते हैं हमारे संवाददाता मिलन दिल्ली में हमारे साथ जुड़ गई है और उनके साथ कई लोग हैं, सवाल पूछना चाहेंगे. मिलन, उनके इन सभी लोगों के मन में क्या सवाल है, क्या चल रहा है, और खास करके हमारे पैनलिस्ट को अगर कोई सवाल उनसे पूछना है, उन तक लाना है तो बताइए. जी बिल्कुल, जहाँ तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन गर्ल्स की बात की जाती है, सबके मन में यही दहशत है कि कल को अगर उनके परिवार में उनके बच्चों के साथ कुछ ऐसा ना हो. सब डरते हैं और ये कहने की बात है कि पुलिस प्रशासन इनको कितनी मदद करती है. हम भी पूछते हैं, इफ़ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली टू यू नो द इलेक्टेड गवर्नमेंट, द रिप्रेजेंटेटिव, द पुलिस अथॉरिटीज़, व्हाट वुड दैट बी? I think the most important thing which concerns all of us is the kind of response that the state gives to these kind of crimes. Crimes to hote rehte hain, ekdam matlab hamara ek habitual ho gaya hai ki every other day there's a reported crime, but I think what's really hurt us is the kind of state response which is absolutely unacceptable as a society. Would you agree with that? Yes, certainly I agree with that, and girls should go out more often. These should not act as measures of deterrence. So girls must go out, they must work, they must study, they must play outside. Yeah, what is that one fear that you have, you know, when we talk about such incidences happening across India, not just in Unnao, not just in Kathua, not just in Delhi, many places? You feel totally outraged, and I feel, is it a crime to be a woman? Mm. We are better than men in so many ways. Of course, they have our weaknesses, but then this becomes, the gender becomes the biggest weakness as far as women coming out in various fields is concerned. मैं बात कर रही थी आपसे, आप बता रहे थे कि बच्चे जब बाहर जाते हैं एक तरीके का डर मन में अब बैठ गया है. पहली बात तो हमें अपने बच्चों को, ये लड़कों को ये समझाना है कि लड़की है तो तुम हो, तुम लड़की नहीं है तो तुम नहीं हो सकते हो. तो वी हैव टू गिव दैट प्लेस टू द गर्ल्स इन द सोसाइटी. और हम ये डर के साथ कितने दिन जिएंगे, कितने दिन हम लड़कियों को रोकेंगे? तो ये आउटलुक बदलना पड़ेगा, हमें सबको मिलके ये एफर्ट करनी पड़ेगी कि वी मस्ट चेंज. नो बट गर्ल्स हैव कम आउट एंड स्टार्टेड रिपोर्टिंग द क्राइम. व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पांस यू थिंक द पुलिस गिव्स देम? हाफ द टाइम इट इज दैट दे से नहीं ये कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसको यहीं खत्म कर दो, विच इज अ वेरी सैड रिस्पॉन्स. और दूसरी बात, पुलिस हैज टू बी मोर इफेक्टिव.
उनका जब तक वो FIR करने को तैयार होते हैं तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपका भी इस बात से क्या सहमति है? Do you think that police takes a lot of time to respond? Yes, police takes a lot of time to respond and then they get affected by the other parties and others and the political parties which interfere in their work and they just don't take any action. But it is not always the police. I have seen and I have experienced as a doctor, as a woman, that in the past the police was very, very helpful. Even now they try to help, but it is the other parties and the mindset of the men and the general public and the lack of punishment. Ma'am, would you also point it on to the lack of punishment, no fear? Yeah, at some incidences the police is active and they take response, but mostly they are not. They slack. Sometimes they slack. Sometimes the political effects and sometimes some even financial status and all that affects. लोगों का यही कहना है कि जहां तक पुलिस सहूलियत की बात की जाए, रिपोर्ट भी करें क्राइम को, तो काफी डर लगता है कि पुलिस सहयोग करेगी या नहीं करेगी। काफी लोगों से आपने यहां पर सुना कि कंप्लेंट्स लिखवाई जाती हैं, कार्रवाइयां नहीं होती हैं, वेट करना पड़ता है। इससे जो मिस्क्रिएंट्स हैं उन्हें और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है ये सब चीजें करने का। जी मिलन, जी जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलन वहां पर दिल्ली में महिलाओं के साथ हमसे जुड़ रही थी। चलेंगे सीधे MN सिंह के पास। MN सिंह, इसी की बात कर रहे थे जो इन महिलाओं ने कहा कि स्टेट का रिस्पॉन्स, पुलिस का रिस्पॉन्स यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं ऐसे मामलों को लेकर। क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि पुलिस के एटीट्यूडनल चेंज जिसे कहते हैं, वो पहले पुलिस से शुरू करना चाहिए, उसके बाद समाज तक ले जाने की जरूरत है? देखिए, पहले किसको शुरू करना चाहिए, बाद में किसको शुरू करना चाहिए, सवाल ये नहीं है। मैंने पहले कहा कि यह एक कानून व्यवस्था का भी सवाल है और एक सामाजिक सवाल भी है। समाज को अपने लेवल पर सोचना है कि उसको क्या करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारी महिलाओं ने अच्छा जवाब दिया समाज को क्या करना चाहिए। जहां तक पुलिस का सवाल है कि देखिए जनरलाइज मत कीजिए कि पुलिस वाले सब ऐसे ही करते हैं कि वो पुलिस में स्टेशन में जाने में डरते हैं। आज ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि पुलिस में भी एक अवेयरनेस पैदा करने की आवश्यकता है। पुलिस में भी ऐसी स्पेशल व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ज़्यादा महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया जाए, इस तरह के मामलात को हैंडल करने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएं और इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जो सेक्स मैनियक्स हैं, सेक्स क्रिमिनल्स हैं, परवर्ट्स हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, उनको रिकॉर्ड बनाया जाए, वॉच किया जाए और समय समय पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऑल्सो इसके साथ साथ स्कूल्स अथॉरिटीज के साथ, कॉलेज अथॉरिटीज के साथ पुलिस को भी इंटरफेस इंटरेक्ट करना चाहिए और लड़कियों को बताना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि किस तरह से रहना चाहिए। ये सारी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा कदम उठाने की जरूरत है। जी, बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। कानून को और मजबूत, कितना मजबूत, अब कितना मजबूत, किसी ने पूछा कि निर्भया केस में गुंजन जी सीधे सीधे बात, सजा दी नहीं गई। गुंजन जी, ये बात लगातार वहीं पर आ रही, जुवेनाइल क्राइम के बारे में भी एक अभी बहुत सारी बात, टेक्निकल बातें की गई हैं। तो जी बताइए, संक्षेप में बताइए, आपके पास सिर्फ एक मिनट के बातें की जा रही हैं, बट मैं एक इमोशनल वैल्यू में, मैं मॉरल वैल्यू की बात कर रही हूँ। मैं एक मॉरल वैल्यू की बात कर रहे हैं। जब हम एक किसी बच्ची को हम बताते हैं अपने घर में कि आप घर से बाहर किस प्रकार से निकलिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमने अपने बेटे को, अपने लड़कों को भी बताना ही चाहिए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उन्होंने लड़कियों का किस सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। ये हमें घर से शुरू करनी, ये मुहिम हमें घर से शुरू करनी होगी। तो मैं मानती हूँ सरकार को भी कुछ करना होगा, सरकार को भी तुरंत कुछ कुछ कदम उठाने होंगे। बात साफ है यहाँ। नहीं नहीं जी, एक ही मिनट बाकी है, ऐश्वर्या भाटी से बात करने दीजिए। ऐश्वर्या भाटी, यहाँ पर बात बहुत साफ है, बात बहुत साफ है कि हम जितने भी बार सवाल पूछे हमसे यही बताया जाएगा कि सामाजिक सोच बदलने की जरूरत है। जो हमें मालूम है, आपको मालूम है कि वो आजकल में होने वाला नहीं है। इसलिए आप हमें ये बता दीजिए कि अगर भगवान ना करे पुलिस स्टेशन जाना पड़े ऐसे मुद्दे को लेकर, तो मेरे हक क्या है?
देखिए अब तो कई जगह पे आप ऑनलाइन एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं, एनसीआर रीजन में पूरे में एफआईआर रजिस्टर हो सकती है और लीगल हेल्प और लीगल एड सब सब कोर्ट्स में, सब छोटे से छोटे कोर्ट्स में भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डर लगता है, परेशानी होती है या आपको हिचक होती है तो लीगल एड सेंटर्स में जाइए, एक लॉयर की मदद लीजिए और वहां जाके एक पिटिशन फाइल कीजिए। ये जो रेप सेंटर्स हैं अभी कभी कई जगह ऑपरेशनल हो भी गए हैं, फाइनेंशियल एड की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल, डरिए मत। देखिए कविता जी, आप लोगों के चैनल को भी मैं कांग्रेचुलेट करती हूं, आप लोग इन इश्यूज पे एक अनरिलेंटलेस और अनडॉन्टिंग एक आपने मुहिम चलाई हुई है, कैंपेन चलाया हुआ है। लेट अस स्टॉप एक्सेप्टिंग दिस नॉनसेंस, देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, वी हैव टू स्टॉप टेकिंग इट। तो वुमेन स्टॉप टेकिंग इट, मेन स्टॉप टेकिंग इट एंड द सोसाइटी हैज टू बिकम प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्शनरी टू दिस। नाउ इनफ इज इनफ, यू कांट कीप आधी पॉपुलेशन जनसंख्या, आप ये नहीं उसको उसकी भी सेफ्टी की चिंता करें या समाज में और देश में अपना योगदान दे। ये आज समय आ गया है, बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है और सही मायने में जैसे कि आप सब बता रहे हो लगातार हर जगह, हर जगह भले वो समाज के तौर पर हो या फिर सरकार के तौर पर और खास करके पुलिस व्यवस्था में जो बदलाव की जरूरत है, जीरो टॉलरेंस जो आपने बताया वो सबसे अहम मुद्दा है। यानी कुल मिलाकर ये याद रखिए, कल को कोई सीटी बजाता है और अगर आप उन्हें खींच कर पुलिस स्टेशन ले जाती है, अगर आपसे कोई ये कहता है कि बच्चा है छोड़ दीजिए, गलती हुई माफ कर दीजिए, तो अगर आपने माफ किया तो गलती आपकी होगी, एक्शन आपको लेना है।